प्रयागराज की बात कर लेते हैं, जहां पर आज कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर दरबार लगाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार यहां पर है। माँ शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होंगे धीरेन्द्र शास्त्री, साथ ही माघ मेले में भी यहां पर वो पहुंचेंगे और संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि माघ मेला इस समय है, वैसे ही हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़, यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। मेरे साथ ही आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, आज पहुंच रहे हैं यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री? बिल्कुल, देखिए नैना, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है उसमें डुबकी लगाई और इसके बाद जो उनका काफिला है वो अब माघ मेले की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि माघ मेले में जो निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं सतुआ बाबा, उनके आश्रम में वो संतों के साथ संवाद करेंगे और कुछ देर पहले हम वहां भी गए थे, काफी जो संत हैं, जो समर्थक हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए। चूंकि जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि प्रयागराज में आज धीरेन्द्र आचार्य शास्त्री पहुंच रहे हैं, पूरे के पूरे संगम क्षेत्र में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि हम लोग गाड़ी में मौजूद हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो संगम तट है वो जो श्रद्धालु हैं उनसे खचाखच भरा हुआ है। हर किसी की बस एक ही तमन्ना थी कि वो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पा सके। और इस बीच में जो सुरक्षा की बात है, देखिए सुरक्षा को लेकर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उन्हें भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आचार्य कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, उससे जो यहाँ के उनके जो भक्त हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको संभालने में जो पुलिस के पसीने एक तरीके से छूट गए। और अब जो उनका काफिला है वो माघ मेले की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर वो साधु संतों के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद दोपहर लगभग एक बजे के आसपास आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में जाएंगे, जहां पर दिव्य दरबार लगेगा और वहां पर अर्जी लगाई जाएगी, वहां पर लोगों के साथ वो मिलेंगे, जो तमाम तरह की अपने जो एक उनकी खास स्टाइल है उसमें वो लोगों के साथ संवाद करेंगे। तो मैं इस वक्त देखिए माघ क्षेत्र में मौजूद हूँ, माघ मेला क्षेत्र है और यहाँ पर किस तरीके से जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। हालांकि हमारी गाड़ी के जस्ट आगे ही उनका भी काफिला है और उसी काफिले के हम पीछे हैं, तो निश्चित तौर पे जो लोगों का एक उनकी उम्मीदें थी कि वो एक झलक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण की पास के वो आज पूरी हुई है। और खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे विवाद के बाद ये पहली वर्तमान है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यूपी में पहुंचे हैं और इसके बाद शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि यहाँ के जो साधु संत हैं उन्हें जो बागेश्वर धाम में जो कार्यक्रम होने वाला है 18 तारीख को उसका निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, खुद जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो हिंदुत्व को लेकर पैरोकारी कर रहे हैं, उसको लेकर भी जो साधु संत हैं उनके साथ संवाद करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने देखा था कि जो प्रयागराज के जो साधु संत हैं उनको उनके बीच जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दो फाड़ हो गए थे, एक गुट वो उनका समर्थन कर रहा था तो दूसरा गुट विरोध कर रहा था, और इन सबके बीच में आज वो दिन आ गया है जब वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज प्रयागराज पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रयागराज पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी भी लगाई है, लेकिन जैसा कि आपने खुद ही ने बताया आशुतोष, कि एक धड़ा ऐसा था जो समर्थन कर रहा था और कुछ ऐसे भी थे जो धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से, उनके बर्ताव से, उनके भाषणों से नाराज नजर आ रहे थे, आपत्ति जता रहे थे। तो क्या आज उनसे भी मुलाकात करने का ऐसा कोई कार्यक्रम है इनका? देखिए अभी कहा यह जा रहा है कि जो उनके समर्थक गुट है उससे वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी हम इसके पहले जब सतुआ बाबा के आश्रम में गए थे तो लगभग 2 दर्जन की संख्या में जो महामंडलेश्वर हैं तमाम अखाड़ों के वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के भी लोग हैं, उनके साथ भी संवाद करेंगे, खासतौर से जो हिंदुत्व को लेकर और जिस तरीके से लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर जो तमाम तरह के हिंदुत्व से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके साथ उन मुद्दों को लेकर वो संतों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही जो बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को जो एक वृहद कार्यक्रम होने वाला है उसका भी इन्विटेशन देंगे, उसमें वो शामिल होंगे और इन्विटेशन देंगे। जानकारी के लिए आशुतोष आपका।